बना ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, मैं यूट्यूबर बन जाता हूं। ये हॉबी तो हो सकती है लेकिन प्रोफेशन पूरा पूरी जिंदगी इसमें आप नहीं लगा सकते ना। आप समझ रहे बात, हॉबी हो सकती है आपकी, ये पूरी जिंदगी लगा देंगे इसमें आप, तो ये प्लेटफॉर्म कब तक चलेगा वो भी नहीं मालूम। अच्छा, किस मुल्क में कब बैन होगा ये भी नहीं मालूम आपको। कई मुल्कों में ये बैन हो जाता है मालूम आपको, यूट्यूब है, फेसबुक है, फिर चालू होते बाद में, लेकिन बैन भी हुए ना। हमारे पड़ोसी मुल्क में यूट्यूब कई साल बैन था। आप समझ, तो ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है ना कि आप उसको जिंदगी भर, हाँ आप ये बोले कि मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, अभी कहीं भी जाएंगे किसी भी चैनल पर जाएंगे, लेकिन यूट्यूबर बन जाता हूँ, फेसबुकर बन जाता हूँ, टिकटॉकर बन जाता हूँ, और क्या क्या बन जा रहे लोग पता नहीं। वो गली के कोने में पड़े हुए दिन रात झाड़ों के नीचे, अच्छी बाइक ला ले रहे किराए पे, 1000 रुपये दे के बस खड़े दिन रात उसके सामने नाच रहे गा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे, बोले इससे अर्निंग होती। क्या अर्निंग हो रही, कुछ भी नहीं होती। तो ये मत कीजिए, बच्चों को यहाँ समझाइए, ये बोलिए कि एज अ हॉबी आप ये सब करो, एज अ करियर ये मत अभी आप करो, ये ऐसा करियर है कि साइड में सबको हर कोई कर सकता है। आप समझ रहे बात को, तो लिहाजा इसके लिए डेडिकेटेडली टाइम मत दो, कोई और डिग्रीज वगैरह करो और उसके साथ इसके लिए टाइम अलग से दो, फिर लगे कि इसमें जाना है तो इसमें चले जाओ, एक अलग बात है। लेकिन इसके चक्कर में आके लोग जो आजकल बहुत मैंने देखा, लोग अपने टैलेंट्स के साथ, इतना टैलेंट है कि इंशाल्लाह डॉक्टर नहीं यूपीएससी क्रैक कर सकता है, लेकिन वो टिकटॉक के चक्कर में उसकी जिंदगी खराब कर रहा है। तो वहाँ बच्चों को समझाइए ये करियर ऑप्शन नहीं, याद रखिए। हाँ, इसको आप अलग से वो कीजिए या मेन फील्ड में जाने के बाद एज अ करियर इसको आप कीजिए, लेकिन इस पे जिंदगी मत खपाइए। जो हो रहा है ना, बच्चा क्या कर रहा है, टिकटॉकर है बोले, सिर्फ दिन भर वीडियो बनाता, सोते सोते बना, ब्लॉगर है बोले, सोरा भी तो बना रहा, हर जगह बना रहा, ब्रश कर रहा तो बना रहा, ब्लॉगर है। कौन देख रहा उसको, दो लोग, चार लोग, क्या ये कोई ब्लॉग है, इसकी कोई क्वालिटी बनी। बट अगर आप डॉक्टर है और एक ब्लॉगर है तो आप देखिए इसकी क्वालिटी क्या होगी। आप एक इंजीनियर और ब्लॉगर है, फिर आप बताते फील्ड में क्या होता, कंपनीज कैसी चलती, फलां है मेरे टूर्स कैसे हैं, क्या बात, सुने बस वो आ गए। और इसके लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं, 5-6 महीने में आप जो है परफेक्ट हो सकते हैं इसके लिए। इसको कुछ भी नहीं आता, बस मोबाइल का कैमरा चालू करो, रोज ब्लॉगर, क्या मसला है। उसके लिए जिंदगी मत बर्बाद करो, समझाओ बच्चे अगर ऐसे जा रहे हैं तो उनको समझा। लास्ट पॉइंट याद रखिए, अगर आपका बच्चा कोई करियर को ऑप्ट करता है और उसमें फेल हो जाता है, जैसा उसने कहा बीएससी मुझे करना है, फुला करना है, आप चाह रहे तो इंजीनियरिंग करें और उसने किया और अटली उसको जॉब नहीं मिली, वो फेल, आपको लग रहा दुनिया में फेल है, तो कभी भी उसको ताने मत दो, उसको इस चीज़ का शिकार मत बनाओ कि हम तो बोल रहे थे ना, नहीं सुनते ना माँ की, तो क्या बदवा दिए फिर आपने, मैं तो बदवा दूँगी, फिर खुश क्यों ना ऐसी बात करके आपकी, हम तो बोल रहे थे ना। अब यहाँ बैठी और ये कही कि हमने ये सोचा था बेटा, ये नहीं हो पाया, चलो अल्लाह को जो मंजूर था कुछ और कोशिश करते हैं, क्या मसला है। आप समझे ना, लेकिन क्या होता है हमारे पास, देखिए आपने एक ऑप्शन था, समझिए बच्चा बोल रहा मेरे को कॉमर्स करना है, आप बोल रहे नहीं नहीं तुम बीएससी करना चाहिए, नहीं मैं कॉमर्स करना, नहीं तुम बीएससी, उसने कॉमर्स में चला गया। अब कुछ तो भी खबर आ गई, न्यूज़पेपर में आ गई, ऐसा बैठे बैठे कॉमर्स ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं है तेरे लिए न्यूज़, तेरे लिए देख, कॉमर्स के लिए तड़प रहा और मर रहा था, जॉब नहीं है। लेकिन अभी 3 साल है ना, 3 ईयर्स में जॉब निकल जाए, नहीं उस पर खबर आ गई, 2 महीने हो गए उसको कॉमर्स फील्ड में जाकर, फिर कुछ तो भी आ गया, एक टैक्स कंसल्टेंट ने लोगों को धोखा दिया, देख तेरे फील्ड के लोग, देख कैसा धोखा देते लोगों को, कॉमर्स कर रहा। अच्छा, इससे खतरनाक बॉम्ब क्या रहता है वालों के, सबसे हटकर दीनी बॉम्ब रहता हूँ, कॉमर्स आराम है इस्लाम में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन आराम। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन आते ही हराम हो जाती कोई चीज़, तो मीटर का बिल 1 महीना नहीं बने तो क्या होता अगले महीने, इंटरेस्ट लग के आ जाता, मीटर यूज करना आराम। नल का बिल अगर एक आध थोड़ा दिन भी लेट हो गया तो क्या होता, 2-3 मंथ्स का सूद लग के आगा, आराम कैसे करेंगे फिर, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, समझने की जरूरत है। तो फिर ये दीनी बॉम्ब रहता आखिर, हराम कोर्स में चलेगा तू, सीए बन के हराम खाएंगे क्या, आते हैं तो घर में नहीं आएंगे हम, तो सीए बन गया तो फलां हो जाएंगे। फॉर्म को कौन रहनुमाई करेगा फाइनेंस की फील्ड में, बताइए, फॉर्म के पास कोई फाइनेंस फील्ड में रहनुमाई करने वाले भी नहीं। खाली एक छोटा सा वाक्य सुना के बात खत्म करता हूँ, जो रूट सर्विंग्स एकेडमी ने एक बार जो सीए कुछ लोग हुए थे उनके थ्रू उनका प्रोग्राम रखा था, उसमें मैंने बात बताई थी, एक साहब है उन्होंने क्या किया, उनके बच्चे का एमबीबीएस में नंबर लग गया, बहुत खुश हो गए, एक ऐसी बिरादरी से थी जिनके पास ज़मीनें बहुत रहती, बहुत खुश हो गए, बच्चों को डाल देना बोले, क्या करना, सिंपल कॉलेज का एडमिशन कराया, थैला उठा फेंक दी, 1 करोड़ एडमिशन करा दो, इसका एडमिशन हो गया, उसका एडमिशन आईटी से नोटिस आ गया उनको, ये पैसा कहाँ से आया वापस इतना। अब परेशान हो रहे, मतलब कम्युनिटी के पास फाइनेंशियल गाइड करने वाले लोग तक नहीं, कम्युनिटी क्या करे। एक ऑफर अगर किसी कंपनी ने दे दिया कि ब्रांडेड स्टोर खोलना है 30 लाख हमको ऑफिशियल लगता है वाइट, तो 30 लाख नहीं है मुसलमानों के पास बताने के लिए, हालांकि घरों के अंदर पता नहीं उन्होंने क्या है, वो ब्लैक बोलते हैं उसको, अमेज़न ने वो करके रखा है। कोई तो हो जो गाइड करे इस फील्ड में कि फाइनेंशियली कैसे स्टेबल बने आप, कैसे हर साल कितना मिनिमम टैक्स भर के आप कितना पैसा अवॉइड कर सकते हैं, आपके नाम से, आपके वाइफ के नाम से, आपके 18 ईयर्स प्लस बच्चे के नाम से, क्या नहीं हो सकता है, सुभान अल्लाह, कुछ बहुत कुछ हो सकता है। नहीं समझते कि तो हम बोल रहे हैं आराम सीधा फील्ड को आराम, तो बहरहाल समझने की
अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सभी का सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।